पुरुषोत्तम जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी सर, मेरे पास दो आईपीओ के बारे में जानकारी लेनी थी सर। जी एक तो अक्टूबर 2017 में जेएससीआरई के 16 शेयर मेरे को 867 पर शेयर के हिसाब से अलॉट हुए थे। पुरुषोत्तम जी फिर से जरा एक बार नाम बताएंगे शेयर का। बोनस भी दिया इस तरह से कुल 32 शेयर 867 के मेरे पास है। एक बार पहले शेयर का जरा फिर से नाम बताएंगे, जेआईसीआरई। जेआईसीआरई और दूसरा? दूसरा सर एसजेवीएन है ये जी। 26 रुपए पर शेयर के हिसाब से 256 शेयर अलॉट हुए थे मई 2010 में। कौन से भाव पर? 26 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। 26 रुपए के भाव पर मई 2010 में। तब से आप होल्ड कर रहे हैं इसको, काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं अविनाश जी। एसजेवीएन स्लो मूवर ये स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ महीने अगर हम बात करें, खासतौर से अगर 6 महीने, तो शेयर ने अच्छी रफ्तार दिखाई है और अब देखिए 38 रुपए 40 रुपए के आसपास जाकर ये भाव इसका ट्रेड हो रहा है। एसजेवीएन चूंकि लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और अब इनको अब जाकर देख रहे हैं कि प्रॉफिट में ये आए हैं, क्या आप सलाह देंगे यहां से आप फर्दर अपसाइड देख रहे हैं या फिर बेहतर होगा कि मुनाफा वसूली कर लें? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए मुझे लग रहा है एसजेवीएन जिस सेक्टर में काम करता है वो अभी ग्रीन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। आने वाला बजट भी ग्रीन एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला है क्योंकि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट का मेन फोकस है और एसजेवीएन जो यू नो हाइड्रो पावर में है, हमको लग रहा है कि अभी इन्होंने हाल ही में एक बड़ा एक्सपेंशन कंप्लीट किया है तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले साल यू नो 1.5 साल में देखने को मिलेगा। अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50% अपसाइड पॉसिबल है अगले 12-15 महीने के लिए क्योंकि अभी तो यू नो FIIs और काफ़ी बड़े फंड्स भी इस यू नो सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और मेरा मानना है कि जब बड़े निवेशक इसमें एंटर कर चुके हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आगे इसमें बड़े वॉल्यूम्स आएंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। ओवरऑल इन्होंने काफ़ी समय तक ये होल्ड किया है तो मेरे ख्याल से अगर और एक 25-30% स्टॉक बढ़ता है तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली करें लेकिन पूरा स्टॉक ना निकाले क्योंकि आने वाले 1-2 साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे।